This could be us. So back to what I was saying. This could be us. स्वागत है दोस्तों आपको मेरे YouTube चैनल DHZ में। आज मैं एक बार फिर से लेके आया हूँ MIUI थीम का एरर। चलिए मैं दिखा देता हूँ। यह है थीम मैनेजर ऐप जो MIUI 10 पे चल रहा है अभी। ये MIUI 9 और 10 दोनों में काम करेगा दोस्तों। तो चलिए मैं पहले एरर दिखा देता हूँ। तो मैं एक सर्च कर रहा हूँ तो देख सकते हो कॉल नॉट कनेक्ट टू द नेटवर्क रिपेयर। ये एरर यहाँ पे भी शो करता है कभी कभी। चलिए मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देख सकते हो कॉल नॉट कनेक्ट टू द नेटवर्क, ये एरर आ रहा है। ये MIUI 9 और 10 दोनों में काम करेगा दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये एरर मुझे बहुत पहले से आ रहा है। इसका एक सोल्यूशन दिया था मैंने अपने पिछले वीडियो पे, वो थर्ड पार्टी सोल्यूशन था। लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ वो थर्ड पार्टी सोल्यूशन नहीं दोस्तों, इसी ऐप का सोल्यूशन है जिसमें ये ऐप जो है काम करने लग जाए। पहले वाले वीडियो में होता क्या था कि आपको थर्ड पार्टी से थीम डाउनलोड करके इस पर इम्पोर्ट करना होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार ये ऐप जो है नेटवर्क का एक्सेस लेगा। तो चलिए एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ एरर। तो देख सकते हो कॉल नॉट कनेक्ट टू द नेटवर्क। यहाँ पे देख सकते हो मेरा डेटा भी चालू है। तो चलिए दोस्तों मैं इसे फिक्स करके दिखा देता हूँ। तो इसे फिक्स करने के लिए आपको दो टूल की ज़रूरत पड़ेगा। पहला है ES फाइल एक्सप्लोरर और दूसरा जो फाइल है उसका डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ध्यान रहे दोस्तों ये सिर्फ उसी मोबाइल पे काम करेगा जो रूटेड होगा, ये सिर्फ रूटेड डिवाइस के लिए। तो चलिए इसे फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक फाइल डाउनलोड करना है ES फाइल एक्सप्लोरर, इसे डाउनलोड कर लीजिए। और दूसरा फाइल जो है वो उसको मैं आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए मैं सर्च करके दिखाता हूँ कि वो कहाँ पे रखा हूँ उसको। तो ये वो फाइल है दोस्तों थीम मैनेजर, इसको आपको डाउनलोड करना है। ये जिप फाइल में होगा जिसका डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थीम मैनेजर इसे आप एक्सट्रैक्ट कर लेना कहीं पे भी। और इस फाइल की हेल्प से पहले आपको रूट में जाना है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो रूट में जाना है, रूट में जाने के बाद आपको सिस्टम पे जाना है, उसके बाद ऐप्स पे और स्क्रॉल डाउन करना है। और यहाँ पे सबसे नीचे पे होगा थीम मैनेजर, देख सकते हो। तो यहाँ पे कॉपी करने से पहले इसका परमिशन देख लें दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो परमिशन है DRWXR XR X। तो चलिए इसको पहले हमको करना है कॉपी। तो पूरे फोल्डर को ही कॉपी करना है दोस्तों, थीम मैनेजर को। तो यहाँ से कर लीजिए कॉपी और यहाँ पे करना है पेस्ट अप्लाई टू ऑल ओवरराइट। तो ये हमारा जो यहाँ पे कॉपी हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे परमिशन देख सकते हो, परमिशन अभी सेम है DRWXR XR X। इसके अंदर जाइए, यहाँ पे भी परमिशन सेम है ऊपर वाला ये भी। और यहाँ पे देख सकते हो इसका परमिशन हमको चेंज करना है। तो क्लिक करके रख लीजिए, इसका ऑप्शन पे जाइए, प्रोटेक्शन पे और चेंज पे। इसको हमको सेट करना है रीड राइट रीड रीड, इस तरीके से होगा दोस्तों। उसके बाद ओके कर दें। तो देख सकते हो रीड राइट रीड रीड, ये परमिशन जो है चेंज हो चुका है। चलिए दिखाते हैं, देख सकते हो रीड राइट रीड रीड। उसके बाद बैक जाइए और इस वाले थीम मैनेजर को इसका भी परमिशन चेंज कर दीजिए, इसका भी रीड राइट रीड रीड होगा। तो इसको ओके कर दें। तो देख सकते हो इसका भी परमिशन चेंज हो चुका है। दिखा देता हूँ मैं एक बार फिर से बैक करके। तो देख सकते हो रीड राइट रीड रीड, और इसका परमिशन सेम रहेगा रीड राइट रीड एक्सटेंशन आर एक्स। तो इसको ऐसे ही रहने दे। इसके अंदर के ये वाला को करना है रीड राइट रीड राइट। तो मैंने कर लिया है, बैक जाइए। तब हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब आपको सिंपली अपने डिवाइस को जो है रिबूट करना होगा। तो मैं रिबूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा डिवाइस जो है रिबूट हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा ऐप जो है काम कर रहा है या नहीं। तो ये देख सकते हो ये मेरा थीम मैनेजर है, ये खुल चुका है। यहाँ पे सर्च करके देखते हैं आप कलर्स।
तो देख सकते हो दोस्तों ये 100% काम कर रहा है। चलिए मैं इसमें का एक डाउनलोड कर देता हूँ, ये 31 MB का है दोस्तों, चलिए इसे डाउनलोड करते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने MIUI 9 एंड MIUI 10 में अगर कोई भी एरर आ रहा है थीम मैनेजर पे, तो इस तरीके से उसे फिक्स कर सकते हो। ये एरर इसलिए आ रहा था दोस्तों क्योंकि जो मेरे स्टॉक में जो थीम मैनेजर का ऐप था उस पर कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिसके वजह से वो काम नहीं कर रहा था। तो मैंने उसके रूट में जाकर उसका ऐप को ही चेंज किया हूँ। तो एक बात ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आप उस फोल्डर को रूट के अंदर कॉपी कर रहे हैं तो उसका परमिशन जो मैंने सेट करने के लिए बोला था उसको ठीक उसी प्रकार से सेट करना है। अगर आप उसमें ज़रा सा भी चेंजेस करोगे तो जो ऐप है वो आपके ऐप ड्राइवर में शो नहीं करेगा। जैसे दिखा देता हूँ, यहाँ पर वो शो नहीं करेगा जो थीम्स का ऐप है वो। तो ध्यान रखिए उसका परमिशन जो है पूरी तरीके से मेरे जैसे ही सेट करना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है परमिशन पे, बिल्कुल वैसे करना है जैसे मैंने किया है। तो देख सकते हो मेरा डाउनलोडिंग जो है चल रहा है। इस तरीके से दोस्तों आप जो है MIUI 9 एंड MIUI 10 में अपना थीम मैनेजर का एरर जो है फिक्स कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों ये एरर शायद किसी ने ही इस तरीके से फिक्स नहीं किया होगा जिस तरीके से मैंने किया है। मैंने इसे फिक्स करने के लिए बहुत ही लंबा चौड़ा काम किया है दोस्तों। मैंने अपने जो करंट रोम यूज़ कर रहा हूँ उसका बैकअप बना के अदर रोम इंस्टॉल किया था जो MIUI 9 पे चल रहा था। तो उसका मैंने रूट फोल्डर को ओपन किया और रूट में से थीम मैनेजर का जो फोल्डर उसे कॉपी करके अपने कार्ट पर रख लिया और उसको फिर से फॉर्मेट करके अपना जो चला रहा हूँ अभी जो रोम इंस्टॉल्ड है उसको वापस रिस्टोर किया और उसका जो थीम का जो फोल्डर मैंने कॉपी किया था उसे मैंने इस वाले रोम के सिस्टम एप्स के अंदर जो थीम मैनेजर का फोल्डर है उस पर कॉपी किया और उसका परमिशन सेट किया, तब जाकर ये प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हुआ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इस ट्रिक का यूज़ करके उसे फिक्स करें। और अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।